हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक, अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में आज हम लेंगे वाटर करेंट्स यानी कि जल धाराएं। तो कुछ चीज़ें जानते रहें जल धाराओं के बारे में, जैसे एक होती हैं वाटर करेंट्स, एक होती हैं स्ट्रीम्स और एक होती हैं ड्रिफ्ट। कुल मिलाकर के ये जानेंगे कि जलीय भाग में यानी कि समुद्र में दो तरह से जल गति करता है। मैं डायग्राम और बाद में बनाऊंगा, ऐसा समझ लें रफली कि ये समुद्र है, ये महासागर है। इसमें दो तरह से जल चलेगा, एक तो या तो इधर चल रहा होगा या इधर चल रहा होगा, ये सरफेस पर है यानी कि क्षैतिज तल में है। दूसरा, ये जल ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर नीचे की तरफ जा रहा हो या कहीं ऊपर की तरफ आ रहा हो। तो ये नीचे को जो जल जाएगा इसे डाउन वेलिंग कहते हैं और जो ऊपर को आता है इसे अप वेलिंग कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के महासागरों में दो तरह के जल का गमन होता है, यानी कि दो तरह से जल का गमन होता है। कैसे? एक क्षैतिज तल में तो एक ऊर्ध्वाधर रूप में। तो पहले हम इन्हें जान लें। देखिए, वाटर करेंट्स को चलने के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे सैलिनिटी यानी कि लवणता, ताप यानी कि टेम्परेचर, और जो एक सबसे ज़्यादा प्रभावी कारण है वो हैं विंड्स। आप याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि जल धाराओं को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो वो है पवनें। तो ये हो गई वाटर करेंट्स। जब जल बड़ी मात्रा में और थोड़ा तेज चल रहा होता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रीम। इसका वर्ल्ड में एक ही एग्जांपल है, वो है गल्फ स्ट्रीम। तीसरा है ड्रिफ्ट या प्रवाह। जब पवनों के फ्रिक्शन से यानी कि घर्षण से जल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ऐसे बहते हुए जल को ड्रिफ्ट कहते हैं या प्रवाह कहते हैं। तो हमें जलधाराएं पढ़नी हैं तीन महासागरों की, जिसमें से एक होगा प्रशांत महासागर, दूसरा होगा अटलांटिक महासागर और तीसरा होगा हिंद महासागर। तो पहले आज हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखते हैं। इसके लिए हमें वर्ल्ड मैप पर देखना होगा। और जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं यानी कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप वर्ल्ड मैप की थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करें। क्योंकि जब आप मेंस में लिखेंगे, मेंस में आपको अपने आंसर की सपोर्ट के लिए मैप की ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा मैप हो एकदम, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस वो पहचानने में आ जाए कि ये क्या है। आइए मैप देखते हैं। ये हमने लिया है नॉर्थ अमेरिका, और ये इधर हम शो कर रहे हैं साउथ अमेरिका।
इधर हम लेंगे ये यूरोपीय भाग, ये बाल्टिक सी होते हुए हम लोग और स्कैंडिनेवियाई देशों में इस टाइम यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इत्यादि से होते हुए अब इधर हम आ गए। ये इटली शो कर रहे हैं और यहाँ ये अब हम अफ्रीका महाद्वीप में हैं। ये यूके और इधर ये जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रीनलैंड है और यहाँ पर ये आइसलैंड है और ये इक्वेटोरियल लाइन है या विषुवत रेखा है। कितने डिग्री? ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए क्योंकि हम जलधाराएं पढ़ रहे हैं तो जलधाराएं दो तरह की होंगी। एक इनमें होंगी जिन्हें हम रेड कलर से यहाँ दिखाएंगे, ये होंगी वार्म वाटर करंट, हॉट नहीं होती, वार्म होती हैं, और जिन्हें हम ब्लू कलर से दिखाएंगे ये होंगी कोल्ड वाटर करंट। तो हम हैं इक्वेटर पर, अर्थ कैसे रोटेट हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और एक तो एंटी क्लॉकवाइज अर्थ का रोटेट होना, देखिए एक एक चीज को समझेंगे, इन्हें बहुत ज्यादा कोई रटने की जरूरत नहीं होती, अगर आप मैप पर समझ लेते हैं सफिशियंट होगा। तो एक तो अर्थ हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, वाटर कि इधर चलने की टेंडेंसी होगी। दूसरा, इधर से मेरे हाथ को देखेंगे डायरेक्शन, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं। कह सकते हैं कि व्यापारिक पवनों की दिशा लगभग पूरब से पश्चिम है। तो इन पवनों का फ्रिक्शन यानी कि घर्षण भी जिम्मेदार होगा, यानी दोनों फैक्टर काम करेंगे। तो इक्वेटोरियल रीजन में विषुवतीय क्षेत्र में जो जल पूरब से पश्चिम दिशा चल रहा है इसे विषुवतीय जल धारा कहते हैं या इक्वेटोरियल वाटर करंट कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर लैंड पोर्शन आया यानी कि साउथ अमेरिका वाला यानी कि ब्राजील, यहां जब ये आता हुआ जल टकराएगा तो कुछ मेरे हाथ को देखेंगे, अगर वीडियो में आपको दिख जाए तो जल का ऐसे तल हो जाएगा कुछ, यानी कि इधर उठा हुआ इधर कुछ ढाल बनेगा, यानी कि स्लोप ग्रेडियंट यहां जो डेवलप हो गया, ढाल प्रवणता जो यहां विकसित हो गई उसके कारण कुछ जल वापस भी जा रहा होगा। यद्यपि ये जल जहां से बराबर तल हो जाएगा फिर से वापस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर जानेंगे कि इस वापस होते जल को काउंटर इक्वेटोरियल वाटर करंट कहते हैं, प्रति विषुवतीय जलधारा कहते हैं। तो विषुवतीय जलधारा यानी कि इक्वेटोरियल वाटर करंट की डायरेक्शन अगर कभी पूछते हैं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में किधर से किधर होगी? पूरब से पश्चिम होगी। लेकिन अगर पूछते हैं कि प्रति विषुवतीय जलधारा की दिशा, और कोई भी महासागर का नाम दे दें, किधर से किधर होगी? वो वेस्ट टू ईस्ट होगी। याद रखिएगा हर एक महासागर में ये दिशा पश्चिम से पूरब होगी।
ये तो बात आ गई, जो पानी ढाल पर था वो वापस हो गया, लेकिन कुछ पानी ऐसे टकराते हुए आगे की ओर चलेगा। यहाँ पर एंटिलीज द्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका के ऊपर एंटिलीज द्वीप रहे हैं, तो इन्हीं के नाम पर इस जलधारा का नाम, मेरे हाथ को देखेंगे, इस जलधारा का नाम एंटिलीज वाटर करंट, एंटिलीज जलधारा होगा। लेकिन यहाँ ये युकाटन चैनल है, कहाँ पर है ये, गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंटर करते हुए जो मैक्सिको का ये भाग है, इसी को कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्यूबा है, नैरो पार्ट हो गया, तो यहाँ युकाटन चैनल है। युकाटन चैनल से जब यही पानी एंटर कर रहा है तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको घूमते हुए, ये मैंने यहाँ पर फ्लोरिडा के सामने पानी को रोक लिया है, इसे कहेंगे फ्लोरिडा जलधारा। देखिए ये थोड़ा छोटा मुझे लिखना पड़ रहा है यहाँ, मैं समझता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप वीडियो रोक करके वहाँ नोट कर लेंगे। तो ये फ्लोरिडा जलधारा है, फ्लोरिडा के तट पर जो पानी चल रहा है, यही फ्लोरिडा जलधारा का पानी आगे बढ़ रहा है और ये यहाँ तक आप देख रहे हैं, मैंने इसे थोड़ा सा डार्क कर दिया है, इसी का नाम है गल्फ स्ट्रीम। याद रखिएगा इक्वेटोरियल वाटर, विषुवत रेखीय जल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जाएगा ये अपने आप में गर्म जलधारा होगी, और ठंडी जलधाराओं के लिए ध्रुवों की तरफ से आने वाला पानी कहीं भी जाएगा वो ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि वो पानी ठंडा है। लेकिन ठंडी जलधारा के स्रोत दो होंगे, एक तो या तो पानी ध्रुवीय क्षेत्र से आए या एक अपवेलिंग के थ्रू, मैं अभी आगे बताऊंगा, अपवेलिंग के थ्रू यानी कि नीचे से पानी अगर ऊपर आए और जलधारा बन जाए तो वो भी ठंडी जलधारा होगी। तो ठंडी जलधारा के दो स्रोत होंगे, एक होगा ध्रुवीय क्षेत्रों से पानी आए और दूसरा होगा अपवेलिंग से आया हुआ पानी आगे चले। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम का पानी ही आगे बढ़ रहा है, मैं अब इसे डॉटेड करके दिखा रहा हूं क्योंकि यहां नाम चेंज करेंगे इसका। ये कुछ पानी आइसलैंड से टकराया, टकराने के बाद कुछ पानी पोल की ओर चला गया और कुछ टकरा करके आगे बढ़ा है और ये कहां पहुंच गया, नॉर्वे के तट पर। यहाँ देख लें थोड़ा सा लोकेशन, ये है स्वीडन और लगभग यहाँ तक ऐसे बनाएंगे, ये फिनलैंड है और ये है नॉर्वे। तो नॉर्वे के तट पर जो पानी पहुँचा है और आगे बढ़ रहा है, इसे कहते हैं नॉर्वेजियन वाटर करंट, और ये पानी आगे यहाँ तक आ जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ रसिया का एक पोर्ट है, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये सभी यहाँ के जो पोर्ट होंगे इन्हें वार्म वाटर मिल रहा है, तो नॉर्वे के तट पर पाए जाने वाले पोर्ट पूरे साल खुले रहते हैं। खुले रहने का मतलब कि यहाँ आइस होनी चाहिए थी, क्योंकि अक्षांश इतना, नंबर इतना बढ़ गया अक्षांश का कि यहाँ आइस मिलनी चाहिए ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, लेकिन यहाँ इस गर्म पानी से ये पोर्ट सारे खुले रहते हैं, यानी कि आइस नहीं बन पाती। इधर जो पानी ऊपर की ओर गया है
इसका नाम है इर्मिंग वाटर करंट, और जो मैंने डॉटेड दिखाया है ये सभी नॉर्दर्न ड्रिफ्ट है, हिंदी में उत्तरी प्रवाह। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब पवनों के फ्रिक्शन से पानी आगे बढ़े तो उसे प्रवाह कहते हैं। यहाँ कौन सी पवनें आ जाएंगी आप जानते हैं, 30 से 35 डिग्री की उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी यहाँ से पास हो रही है, और इस वायु दाब पेटी से इधर की तरफ व्यापारिक पवनें और इधर की तरफ पछुआ पवनें चलती हैं। तो ये पानी अब किसके संपर्क में आ गया, पछुआ पवनों के संपर्क में आ गया, और अब ये आगे बढ़ा है, तो इसीलिए इसे उत्तरी प्रवाह नाम दिया गया। और यहाँ कुछ आइलैंड्स भी हैं, उनके कारण भी कुछ पानी इधर घूम आता है, इसका नाम है रेनेले जलधारा। अब हम आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ये हमने उत्तरी गोलार्ध की गर्म जलधाराएं देख ली हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, ये पानी इधर भी टकरा कर इधर चला गया था, हालांकि ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, क्योंकि ये कोई दीवार नहीं है कि इधर का पानी ही इधर जाएगा, मिक्स होकर के पानी इधर भी आ सकता है उधर भी जा सकता है। और ये ब्राज़ील के तट पर पानी भी चला आगे, इसकी भी हालांकि घूमने की टेंडेंसी होगी लेफ्ट हैंड साइड। ब्राज़ील के तट पर चलने वाली जलधारा ब्राज़ीलियन वाटर करंट, ब्राज़ील की जलधारा कहलाएगी। ये अटलांटिक महासागर की सभी गर्म जलधाराएं हो गई हैं। अब हमें देखनी है अटलांटिक की ही ठंडी जलधाराएं।